जय हिंद साथियों, आज हम लोग आपके साथ मिलकर जीवन कौशल की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 10 नंबर आते हैं और 10 नंबर की तैयारी हम लोगों को आपके साथ मिलकर पूरी तरह से करना है। और आप लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के हैं, जिसके माध्यम से मैं ये क्लास आप सभी को पूरा पढ़ाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। और आप जहाँ जरूरत पड़े इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। क्लास समाप्त होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है। और आपको भी जानकारी भी होगी कि यहाँ से आपके जो सिलेबस हैं 10 नंबर आते हैं, कितने अंक यहाँ से आपके परीक्षा में 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि आप इन 10 में 10 अंक पूरा प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेहनत करना होगा, हमारा साथ देना होगा। और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, उस प्रैक्टिस सेट को भी अपना फोकस करना होगा। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, आप सिलेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी। आइए 10 में 10 की तैयारी करते हैं। और पहला टॉपिक आज हमारे सामने जो है, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, मतलब इसके पहले हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। आज की सीरीज में यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे होता है। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की, तो मेरा सवाल पहले आपसे है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता या बच्चों का मुखिया माना जाता है। जो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वो हमेशा बच्चों का एक नेतृत्वकर्ता माना जाता है। अगर हम बात करें नेतृत्वकर्ता, तो ये अंग्रेजी शब्द लीडर शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? लीडर शब्द से बना है, या लीडर शब्द का समानार्थी है जो लीड करता है, यानी लीड क्रिया से बना है, जिसका मतलब होता है पहल करना। आइए हम ये बात करते हैं कि एक शिक्षक किस तरह से नेतृत्वकर्ता के रूप में होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर सरकारी शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स क्यों बेहतर है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये नेतृत्वकर्ता गुण आप में भी होने चाहिए, खासकर उन बच्चों के जिसके लिए आप एक सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अब विद्वानों ने नेतृत्व के तीन प्रकार माने हैं, आइए उन तीनों प्रकार के बारे में भली भांति पढ़ते हैं, समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, जहाँ पे पहला है आपके सामने तानाशाही। एक मिनट, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड एकदम साफ हो जाएगा, फिर उसके साथ फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक एक कदम से कदम मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये है, कह रहा है कि तानाशाही, फिर निरंकुश, सत्तावादी, शिक्षक केंद्रित। मतलब ध्यान समझिएगा, मतलब इसके चार उपनाम हैं। अब परीक्षा में किस नाम से पूछा जाएगा, ये आपके समझ के ऊपर माने रखता है। माने तानाशाह शिक्षक, निरंकुश, सत्तावादी, शिक्षक केंद्रित नेतृत्व। अब इसके बारे में पूरा व्याख्या करके हम बताएंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कहेंगे सर, तानाशाही क्या होता है? निरंकुश, सत्तावादी, माने ये जो शिक्षण पद्धति होती है, इसमें शिक्षक केंद्रित होता है, माने इसमें शिक्षक केंद्रित नेतृत्व होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में अधिकार सिर्फ नेता के पास होता है, और यह शिक्षा में तानाशाही शिक्षक को बराबर होता है। कक्षा में सिर्फ वही हावी होता है, इसमें विद्यार्थी की भागीदारी लगभग शून्य होती है। अगर हम इसको आपको आपकी भाषा में समझाना चाहे और विस्तृत रूप से समझाना चाहे, जैसे अगर आप कक्षा में जाते हैं, जैसे एक सरकारी शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों के प्रयास करते हैं कि ठीक है आज हम आपको गणित पढ़ाएंगे, और जाने के बाद कहते हैं मैं गणित केवल रटवाऊंगा, मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल को रट के आना है, समझाना नहीं है। बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहेंगे नहीं नहीं रट के आना है। आप बच्चों से कहते हैं कि आज आप लोग को सबको खड़े होकर सवाल लगाना है, बच्चे कहते हैं सर पैर दर्द हो रहा है, नहीं खड़े होकर लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही है, ये सत्तावादी है। बच्चे का मन करता है सर आज नहीं पढ़ने का मन है, आज खेलने का मन है, कहेंगे नहीं 10 पेज नकल लिख के दिखाओ, 10 पेज हमें नकल लिख के दिखाओ। तो ये क्या होगा? ये तानाशाही नेतृत्व होगा, ये सत्तावादी होगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो नेतृत्व करता है, यहाँ पे क्या होगा, यह बाल केंद्रित शिक्षा का हनन भी करता है। यहाँ पे पॉइंट आपके सामने निकल कर आया कि यह जो है क्या करता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसका हनन करने का भी यह काम करता है। मतलब अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा, और यह सबसे खराब नेतृत्व होता है। अगर हम बात करें शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है, तो यह सबसे खराब नेतृत्व होता है, खासकर एनसीएफ 2005 के आधार पर। जब हम यहाँ से प्रश्न कराएंगे, तब आपको यह सीरीज और अच्छे से समझ में आएगी, यह कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको हर चीजें, हर तथ्य आपको अच्छी तरह से समझाएं, ताकि आप भी जब भी व्याख्या करें तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट नहीं है ना, यार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक बटन दबा दो, पैसे नहीं कटेंगे आपके। अब हम और आगे देखते हैं, अगला आपके सामने है कि प्रजातांत्रिक।
बाल केंद्रित नेतृत्व, मान इसको कहते हैं प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, बाल केंद्रित नेतृत्व। अगर इस नेतृत्व की बात करें तो एक तरह से यह बाल केंद्रित होती है। जैसे आप मान लीजिए पर्यावरण पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आज हम जाएंगे बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे और पर्यावरण में भोजन पढ़ाएंगे। जैसे कक्षा के अच्छे प्रवेश करते हैं बच्चे एक सुर में कहते हैं सर आज मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है बेटा नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। और क्या करना है? बच्चे कहेंगे सर हम लोग पहले करना चाहते हैं। तो अब आप उसी भोजन टॉपिक को उनको पहले के माध्यम से समझाएंगे। अभी क्या होगी? प्रजातांत्रिक, ये होगी बाल के दिन, आपने बच्चों के मन का किया, बच्चे जैसा चाहते थे आपने वैसा किया, तो ये हो जाएगा प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व के अंतर्गत आएगा। एनसीएफ 2005 अगर हम बात करें, अगर हम आपके साथ मिलकर की बात करें एनसीएफ 2005 की, तो जो एनसीएफ 2005 है वह इसी की वकालत करता है, वह इसी की बात करता है कि नहीं नहीं प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित ही हमारी जो शिक्षण प्रणाली है अगर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बात करें इसी पर आधारित होनी चाहिए। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कहां कहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं उन पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। इस प्रकार का नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता भी समूह के लोगों के बराबर ही होता है। इसमें क्या होता है? समूह के लोगों के बराबर ही होता है, माने नेतृत्व में वो अकेले नहीं अपितु समूह के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए भी सभी की राय सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्य करता है। मतलब यहां पे ध्यान देना है, जैसे अगर हेडमास्टर कह सकते हैं, अगर आपके हेडमास्टर है वो कह देते हैं कि नहीं आज बच्चों को नहीं पढ़ाना है, फिर भी आप कहते हैं कि ठीक है सर अगर आप कह रहे नहीं पढ़ाना तो खेल खिलाते हैं बच्चों को। मतलब हमेशा हमें अपने बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ और उनके गार्जियन अभिभावक इनके सबके साथ मिलकर हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए, आप उनके बेहतर भविष्य के लिए जो काम करते हैं वह इसके अंतर्गत आता है। मतलब एकदम साफ और स्पष्ट है कि यहाँ पर अगर आपने इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है तो आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब यह नेतृत्व का सबसे बेहतर प्रकार है, अब बात किया जाए तो यह नेतृत्व का क्या है सबसे बेहतर प्रकार है, क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी होती है। और अगर हम बात करें कि शिक्षक एक नेतृत्व करता है तो सबसे बेहतरीन अगर भागीदारी आपके परीक्षा में आए तो वो होगा प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित, क्योंकि यहाँ पर सबकी बात मानी जाती है, चाहे बच्चे हों, अभिभावक हों, माता पिता हों बच्चों के, चाहे आपके शिक्षक के स्टाफ हो, आपके साथ के जो शिक्षक हो, या फिर सभी की बात को रखा जाता है। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं इसके एक और अगले टॉपिक की तरफ जहां से आपके परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। अभी थियरी पढ़ लीजिएगा फिर हम इसको बताएंगे कि सवाल यहां से प्रश्न कैसे आएंगे। अगला है आपके सामने अहस्तक्षेपी नेतृत्व, ध्यान दीजिएगा अहस्तक्षेपी नेतृत्व। मतलब इसमें क्या होता है, जो इस तरह का नेतृत्व होता है इसमें शिक्षक की भूमिका लगभग शून्य होती है, माने इसमें जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका लगभग जीरो होती है, शून्य होती है, और सदस्य अपनी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। मतलब यहाँ जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र होते हैं, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे किसी का मन किया बच्चों का नहीं आज हम गणित की क्लास में कला बनाने लगता है, कोई बच्चा है संस्कृत क्लास में अचानक जो है इंग्लिश का काम करने लगता है, मतलब सभी बच्चे अपने आप में क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। और अगर शिक्षक की बात करें, शिक्षक गणित वाला कभी अंग्रेजी पढ़ा देता है, कभी भूगोल पढ़ा देता है, कभी पर्यावरण पढ़ा देता है, कभी हिंदी पढ़ा देता है, तो माने इस तरह के नेतृत्व में शिक्षक की भूमिका लगभग शून्य होती है, सदस्य अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यह नेतृत्व बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छा है लेकिन निचली कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बड़ी कक्षा में क्या होता है कि जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लेक्चर पसंद नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें लेक्चर तो पसंद है लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि वो लिख लें, कुछ को लगता है नहीं नहीं हम की पॉइंट लिख लेंगे, तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए, ये छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि कारगर नहीं है। अब हम और आगे देखते हैं, अगर इसी के साथ एक और टॉपिक हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। हाँ सभी लोग शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, हम आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने भी यहाँ पे चीजों को देख लिया कि यह तो हमें देखते हैं ये सबसे क्या है बेहतर नेतृत्व का प्रकार प्रजातांत्रिक या बाल के। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोगों ने अभी तीन प्रकार के नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ा, एक तानाशाही सत्ताधारी निरंकुश, दूसरा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक या बाल केंद्रित, तीसरा अहस्तक्षेपी नेतृत्व, इसमें सबसे बेहतर क्या लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व होता है खासकर निचली कक्षाओं के लिए। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। एक बार सीरीज आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया तो हम इसके बाद इसके जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम आपको करा देंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा यहाँ पर एक टॉपिक आपके सामने शायद आपको भी दिख रहा होगा कि आप जानते हैं कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता कैसे है, आइए इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए सब लोग एक काम जरूर करिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे दुर्गेश सर,
जैसे ही आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे, स्पेस मत दीजिएगा, आपके पास ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएंगे। इस क्लास की सभी पीडीएफ नोट्स, क्लास सब कुछ मिल जाएगी। मेरी क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में होती है, क्योंकि आपको अब की बार एक्सिट हमार करनी है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब जानते हैं कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता कैसे है। एक एक करके इस टॉपिक पे बात करते हैं। सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, पहला बच्चों का मुखिया। देखिए जो शिक्षक होता है, जो अध्यापक होता है, शिक्षक मैं अगर शिक्षक कहूँगा तो अपने आप में जो शिक्षिका है वो भी समझ लेंगे भैया शिक्षिका सर भी कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जेंडर विशेष। समूह के नेता के रूप में शिक्षक सदैव अपने विद्यार्थियों का हित चाहता है और वह एक नेतृत्वकर्ता का गुण होता है। जैसे मैं ही हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कल को आप एक सरकारी शिक्षक बने, एक सरकारी नौकरी करें, उसके लिए मैं हमेशा बेहतर करता हूँ। कल को आप भी सरकारी शिक्षक बनेंगे और आप भी ये चाहेंगे आप जिन बच्चों को पढ़ाएं वो DM बने, IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हर अध्यापक ये चाहता है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है, हमेशा बच्चों का वो नेतृत्वकर्ता रहता है। तो आपको भी समझना है, जब हम लोग प्रश्न बैंक करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हर एक टॉपिक ऐसा है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आए हैं। अगर किसी प्रकार का कोई संशय रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं सहायक। अब इसमें सहायक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जहां जरूरत पड़े आप इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगर हम बात सहायक की करें तो यहाँ पे सहायक में क्या है, नेता को एक तानाशाह के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में देखा जाता है। नेता को एक तानाशाह के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में देखा जाता है। अगर हम बात करें तो जो बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षक हर प्रकार से अपने विद्यार्थियों को अधिगम अच्छा बनाने हेतु सहायता करता, अतः उसे नेतृत्वकर्ता मानेंगे। माने शिक्षक क्या होता है, बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए हमेशा एक सहायक होता है। वो नेता की तरह तानाशाह नहीं होता बल्कि हमेशा उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। जैसे मेरे द्वारा है, मैं आपको जो भी समय मेरे पास बचता है मैं आपको निःशुल्क क्लास पढ़ा देता हूँ ताकि आप भी सिलेक्शन ले लें। आपको इलेनी पे दुर्गे से नोट्स मिल जाते हैं, पूरी आपकी परीक्षा की 50 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपके अधिगम को जो अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी एक सफल भारत के एक नागरिक बन सके और कल का एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बन सके। अतः यह इसमें नेतृत्वकर्ता मानेंगे, वह क्या होगा, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होगा। आइए देखते हैं समूह का संचालन। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और इस पर भी देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि नेतृत्वकर्ता माने समूह के संचालन, माने नेतृत्वकर्ता किसी विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का मुखिया होता है। मतलब यहाँ किसी विशेष कक्षा का नहीं कि कक्षा 3 का है, कक्षा 3 में केवल लड़कों का नेतृत्व करेगा या केवल लड़कियों करेगा या केवल दिव्यांग बच्चों करेगा। जी नहीं, हम सभी जो बात करते हैं एक समावेशी कक्षा की करते हैं। समावेशी कक्षा में हम पूरे कक्षा समूह का, हम पूरे कक्षा समूह का नेतृत्व करते हैं। आप पूरे कक्षा समूह का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार जो शिक्षक होता है पूरे समूह का मुखिया होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को समूहों में सीखने का पूरा पूरा अवसर देता है। अतः हम ये कह सकते हैं शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता होता है, खासकर अभ्यर्थियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट्स कैसे मिलेगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, पहले पढ़ने पर फोकस करिए। ठीक, हम और आगे चलते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा एक टॉपिक है सभी बच्चों की राय जानने वाला। माने एक जो शिक्षक होता है, एक नेतृत्वकर्ता होता है, वो हमेशा ये चाहता है सभी बच्चों की राय जान सके। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स घर बैठे आपने मंगा लिया? आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो नहीं मंगाया है, अभी मैं एक दिन बाद मंगाऊंगा, कोई दो दिन बाद मंगाऊंगा। कुछ कहेगा नहीं सर, मैं मंगा लिया, आगे घर पे बहुत अच्छे हैं। तो आपके मैंने राय जानने का प्रयास किया। मैंने आपसे ये पूछा कि अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाऊं, मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊं, आपको क्या ये पद्धति समझ में आ रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह से पढ़कर आप सेलेक्ट हो पाएंगे, क्या इसमें आपकी कोई राय है? तो हमेशा हम आपको आपके लिए हमेशा अपडेट करते रहते हैं। माने अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा में सभी बच्चों के अनुसार ही शिक्षण होता है। हमने देखा है कि हम बच्चों के आधार पर, अगर बच्चों को खेल विधि पसंद है, बच्चों को लिखना पसंद है, बच्चों को पढ़ना, मतलब हम एक प्रयास करते हैं, हम बच्चों के ही हिसाब से उन्हें पढ़ाते हैं ताकि उनकी रुचि बनी रहे और वो कल को एक बेहतर नागरिक बन सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता होता है, जो कि बच्चों की राय जानने वाला होता है, उनके राय के अनुसार ही काम करता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, है संप्रेषणकर्ता के रूप में। क्या है संप्रेषणकर्ता के रूप में, आइए इस बारे में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ से क्या क्या हम बिंदु है, संप्रेषणकर्ता माने सफल नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता अपने सदस्यों के संपर्क में रहे। एक शिक्षक में सदैव विद्यार्थियों की कक्षा की गतिविधियों में शामिल करके संप्रेषण को बढ़ावा देता है। माने संप्रेषण का मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग
पीसी माने कंप्यूटर में पढ़ रहे होंगे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कुछ लोग टैब पे पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग अपने मोबाइल पे पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग इसकी नोट्स बना रहे होंगे, कुछ लोग इसके स्क्रीनशॉट कर रहे होंगे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं कहीं जौनपुर से पढ़ा रहा हूँ, आप घर बैठ के पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी बातें आप तक पहुँच रही है, ये नोट्स आपको दिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं, मतलब मेरी बातें आप तक और आपका जो सवाल है वो कमेंट के माध्यम से इलेनिक दुर्गेश तक पहुंच रहा है। इसका मतलब एक अच्छा संप्रेषण हो रहा है और शिक्षक एक संप्रेषण करता होता है, वो बच्चों के हिसाब से उन्हें पढ़ाने का प्रयास करता है, नोट्स के माध्यम से, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आने वाले प्रश्नों के हिसाब से, मैराथन के माध्यम से, माने वो हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके लिए एक ऐसी संपर्क व्यवस्था बनाई जा सके, आपकी ऐसी रुचि बनाई जा सके ताकि आप सफल हो सके। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि सफल नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक नेतृत्वकर्ता अपने सदस्यों, अपने बच्चों, अपने अभिभावकों, अपने स्टाफ सह अध्यापकों के संपर्क में रहे। एक शिक्षक में सदैव विद्यार्थियों की, जो बच्चे होते हैं, उनकी कक्षा की गतिविधियों में शामिल करने को संप्रेषण को बढ़ावा देता है। जैसे मैं कहता हूं कि जब भी क्लास की टाइमिंग हो, अपने एक डायरी में या अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर सारे टाइम टेबल लगा लीजिए, उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपने सभी कक्षाएं पढ़िए और कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको नोट्स जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है नहीं आपको नोट्स जरूरत पड़ेगी और आपको नोट्स चाहिए, तो इलर्निंग विद दुर्गेश का घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे इतना पढ़ने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि अतः शिक्षक क्या है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, चाहे संप्रेषणकर्ता के रूप में हो। आइए हम ध्यान देखते हैं सफलता की असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला, यह भी एक टॉपिक है, यहां से भी आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं, ध्यान से देखते हैं सभी लोग। देखिए सफलता असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला, जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं सर मैं आपसे पढ़कर मैं सिलेक्शन ले लिया, देखिए बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है जो जनपद जौनपुर में है, यहाँ से आप घर बैठे सभी जानकारी ले सकते हैं। मुझे थोड़ा इस बारे में कम जानकारी क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पर गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आप नोट्स संबंधित, क्लास के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। देखिए असफलता की जिम्मेदारी, आपने देखा होगा कई बार परीक्षा में सवाल आता है, अगर आपकी कक्षा में कोई लड़का फेल हो जाता है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की, पाठ्यक्रम ज़्यादा था, अभिभावक की, या संस्था या स्कूल की? तो यहाँ पर स्कूल की जिम्मेदारी थी, यहाँ पे शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, माने नेतृत्वकर्ता अपने समूह के सदस्यों की सफलता एवं असफलता के लिए स्वयं को तैयार रखता है। कल को आप सफल हो जाएंगे, आप कहते हैं हाँ सर दुर्गेश सर के नोट्स बहुत बढ़िया थे, उन लोगों ने पढ़ा, वो सरकारी शिक्षक हो गए, पढ़ने से नहीं क्योंकि आपने मेहनत से पढ़ा और वहां से प्रश्न हूबहू परीक्षा में आते हैं, वह सिर्फ उपलब्धियों को नहीं अपितु असफलता के लिए भी जिम्मेदार है। अब जिसका सफलता नहीं हो पाता, कुछ लोग कहते हैं सर मैंने आपसे पढ़ा आपका चयन नहीं हो पाया, तो माने वो सफलता के लिए नहीं असफलता के लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसे अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा धीरे धीरे लिखता है, बार बार कहते तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं लिख पाओगे, तुम्हारे पास का नहीं है, सुनते 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 बच्चा एक दिन ऐसा आता है उसके मन में बैठ जाता है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, और वो क्या होता है, वो असफल हो जाता है, उसका जिम्मेदार उसका शिक्षक होता है। अगर हम बात करें, जैसे आपने कभी देखा होगा कभी कभी हम क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, आप लोग धीरे बात करिए माइक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं उन्हें गणित नहीं आती, अगर बचपन से ही बच्चों को बता दिया जाए तुम्हें गणित नहीं आएगी, तुम गणित बहुत कमजोर हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे के दिमाग पर यह प्रभाव पड़ जाएगा और ये सोच लेगा नहीं यार वास्तव में मुझे गणित नहीं आती, गणित बहुत कठिन है, और वो उसके दिमाग में बैठ जाता है और अंत में गणित उसके लिए गले की हड्डी बन जाती है और गणित में बेहतर स्कोर नहीं कर पाता। मतलब इससे साफ और स्पष्ट है कि अगर बच्चों को, अब जो अध्यापक था जिससे उसने गणित का डर लगा उसको बताना चाहिए गणित बहुत आसान है पढ़ लो, अरे दुर्गेश सर की क्लास जाके गणित की पढ़ लो, उससे बेहतर कहाँ पढ़ा रहा कोई, और भी लोग पढ़ा रहे हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों की बताना है नहीं नहीं ये तुमसे बढ़कर नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। तुम्हारे शिक्षक की एक भी भूमिका होती है, माने अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है। अगर कोई बच्चा असफल होता है इसका जिम्मेदार शिक्षक होता है, शिक्षक समूह होता है, विद्यालय होता है, विद्यालय समूह होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके और आगे, यहाँ तक जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ कोई मन में सवाल हो। खतरा मोल लेने वाला, आप कहेंगे सर खतरा मोल लेने वाला, अब जैसे कोई बच्चों को डांट दोगे तो घेर के मारेगा, कहेगा बहुत बोलत रहा ना अब बाहर निकला, तो ऐसा नहीं है। मतलब शिक्षक नवीन शिक्षण विधि, जैसे अगर कोई एक शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, दूसरा पढ़ाइए, तीसरा पढ़ाइए, तो हमेशा ये प्रयास करिए कि हमें खतरा लेना चाहिए, मतलब शिक्षण विधियों को बदलना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं हम आपको नोट्स मिल गए लेने दुर्गे से, अब आपको एक क्राइटेरिया पता चल गया, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है आप प्रैक्टिस सेट हल करिए, फिर भी लगता है कुछ टॉपिक छूट गया कुछ किताबों से ले लीजिए, तो यहां से आपने क्या किया, हमने शिक्षण विधियों को बदला। अब आपके पास नोट्स आ गया, अब पढ़ने में कितना आसान है कि आपके सामने नोट्स
है और आप नोट्स पढ़ रहे हैं और साथ में क्लास भी पढ़ ले रहे हैं, माने आपके सामने रिटर्न में आ रहा है, आपका टाइम बच गया, वरना इतना टॉपिक पढ़ाने में कितना समय लग जाता। मैं बोर्ड पर पूरा लिखता, आप छापते, तो मैंने क्या किया, रिस्क लिया, आपको इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ा दिया। माने खतरा मोल लेने वाला होना चाहिए, वो पारंपरिक तरीके से अलग नवीन तरीकों से सिखाता है। अतः शिक्षक क्या हो गया, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक है पथ प्रदर्शक या राह दिखाने वाला। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा चयन होगा नहीं। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ, मैं बताता हूँ अगर आपने बेहतर किया है, आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि नेतृत्व तो वही करता है जिसके पास उस क्षेत्र का पूर्व ज्ञान या विशेषज्ञ हो। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर जो खुद सफल नहीं है, जो कभी टेट या सीटेट नहीं पास हैं, जो सरकारी शिक्षक भी नहीं बन पाए हैं, वो भी पढ़ाते हैं, कहते हैं 15 मिनट का वीडियो देख लो हो जाओगे सरकारी शिक्षक। तो जो पथ प्रदर्शक हो, जो वो विशेषज्ञ उसके बारे में जानता हो, जैसे कोई नदी बह रही है, एक सपोर्ट जैसे यहाँ पे कोई नदी बह रही है, अब इस नदी में अब किसी को तैरना सीखना है, किसी से पूछ लो भैया कुछ जाओ तुम तैरना सीख जाओगे, तो डूब के मर जाओगे ना, उसके लिए नदी में उतरना पड़ेगा, किसी अच्छे तैराक के साथ रहना होगा, वो आपको बताएगा ऐसे ऐसे चलो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ऐसे है, तब जाकर आप एक कुशल तैराक बन पाते हैं। और अगर किसी अजनबी जिसको खुद ही तैरना नहीं आता उसके साथ चले तो गए और ले जाकर डुबो दिया, तैरना भी सिखा दिया लेकिन पता चला उसको ये नहीं पता है धारा विपरीत हो जाएगी, धारा बह जाएगी, भंवर आ जाएगा, अचानक पानी बढ़ जाएगा, जलस्तर बढ़ जाएगा, तब क्या होगा। तो उसके लिए आपको अनुभवी विशेषज्ञ नेतृत्वकर्ता चाहिए। शिक्षक इस क्षेत्र में निपुण होता है क्योंकि वह विद्यार्थी के रूप में भी समय बिता चुका होता है, वह विद्यार्थी के रूप में बिता चुका होता है, वह कई परीक्षाएं क्रैक कर चुका होता है, उसके पास इस चीजों का ज्ञान अच्छा होता है, अतः प्रत्येक तरीके से नेतृत्वकर्ता बनने के काबिल होता है। इसलिए इस बात का हमेशा आप लोग को ध्यान देना चाहिए। अब आइए लास्ट में देखते हैं हम लोग आपके साथ मिलकर। अतः हम लोगों ने देखा अनुभवी माने शिक्षक को एक अनुभवी होना चाहिए, मतलब शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में अनुभवी होता है। अगर उसके पास अनुभव नहीं है, जैसे कोई खुद सेलेक्ट नहीं है और पढ़ा रहा है, जो सेलेक्ट है वो इस बात को पता है क्या क्या चीजें आना है, क्या क्या चीजें नहीं आएगी, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, यह अनुभवी मतलब कहा जा सकता है कि जो आपका नेतृत्वकर्ता हो, जो आपका शिक्षक हो, वह इस बात के बारे में भली भांति जानता हो। सुविधा देने वाला, सुविधा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सुविधा शुल्क देने वाला, मतलब वह आपको जैसे नोट्स अगर उपलब्ध है ताकि आप जैसे क्लास आप नहीं पढ़ पा रहे, नेट नहीं है, या आपको कम समय में पूरा कोर्स रिवीजन करना है, 3 दिन में आपको नोट्स उपलब्ध करा दे, नोट्स साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दे, फिर आपको वो इंपॉर्टेंट जैसे जो की नोट्स होता है, की नोट्स परीक्षा के समय उपलब्ध करा दे, मैराथन क्लास उपलब्ध करा दे, फिर वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा दे, MCQ को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ा दे, मतलब हमेशा आपको हर तरह से सुविधा दे, जितनी सुविधाओं की आपको जरूरत है ताकि आप कम समय में ज्यादा बेहतर कर सके और सिलेक्शन तक पहुंच सके। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है और प्रत्येक सुविधाएं देने का प्रयास करता है जिसकी जरूरत है बच्चों की होती है। पहल करने वाला, यह भी इंपॉर्टेंट है। पहल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहल का मतलब यह है कि जो नई शिक्षण विधियां होती है, नई तकनीकी होती है उनका, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास नोट्स आ गए हैं, अब अगर नोट्स अपडेट होते तो क्या होगा, तो जिसकी अपडेट होगी वो भी आपको मिलेगी। करंट कहां से पढ़ेंगे, करंट क्लास आपको डेली मिलती है, अब विविध कहां से पढ़ेंगे, इलर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ेंगे, माने हर वो चीज, जीए कहां से पढ़ेंगे, इलर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ लेंगे। तो माने जो चीजें हैं आपको कैसे पहल करने वाला होना चाहिए, वो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला होना चाहिए, हर अपडेट को ध्यान देना चाहिए, कैसे मार्केट में ट्रेंडिंग है, माने जो परीक्षा में जो अब समय सवाल आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस जो पेपर हो रहे हैं कैसे आ रहे हैं, जैसे पिछले कम से कम 10 वर्षों के जो पेपर हैं अलग अलग राज्यों में हुए हैं, KBS में हुए, SSB में हुए, सुपर टेट में हुए हैं, टेट परीक्षाओं में हुए हैं, उन सब का समायोजन करके आपके लिए लाए ताकि आप भी कल को एक सरकारी शिक्षक बन सके। तो इस प्रकार का स्पष्ट होता है कि शिक्षक क्या हो, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होगा। ठीक है, अब यहां से जो आज की टॉपिक थी कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होगा, वह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, यहाँ इलर्निंग विद दुर्गेश का ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, अभी टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, यहाँ इलर्निंग विद दुर्गेश आएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, और वहां से नहीं मिलेगी तो इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर है, वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मैं इलर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और आप कभी बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक,
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मैंने पढ़ा दिया। बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012।